हाय दोस्तों, टी फोर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूपी बोर्ड 10th का रिजल्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 12th का रिजल्ट चेक करना बताया है दोस्तों, तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो को लास्ट में दे दूंगा। तो चलिए, कैसे करना है 10th का रिजल्ट चेक आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो दो सर्वर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, दो वेबसाइट। तो दो वेबसाइट में से यानी कि एक वेबसाइट काम कर रहा है और दूसरा वेबसाइट पर एरर आ रहा है। तो चलिए, कैसे उस वेबसाइट पर चेक कर पाएंगे जो सही वेबसाइट है, उस पर जो वर्क कर रहा है प्रॉपर। तो चलिए, कैसे करना है चेक आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो सर्च बार है, आप कोई भी ब्राउज़र के थ्रू जा सकते हैं, क्रोम ब्राउज़र या फिर जो भी ब्राउज़र आप चाहते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पे सर्च बार को ओपन कर लेंगे क्लिक करके। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्राउज़र कोई भी ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च में टाइप करना है यूपी रिजल्ट एस रिजल्ट्स डॉट एन आई सी डॉट इन। लिखने के बाद आपको सर्च करना है दोस्तों। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो जा रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल क्लास 10th यानी कि 10th एग्जामिनेशन 2024। तो ये 10वीं का अगर आपको रिजल्ट चेक करना है 10th का, तो ये वर्क करेगा फर्स्ट वाला। और ये फर्स्ट लिंक, सेकेंड लिंक, थर्ड लिंक, ये है सर्वर। और यहाँ पर अगर आपको 12वीं का चेक करना है तो नीचे वाला ऑप्शन जो है ये यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट क्लास 12th एग्जामिनेशन 2024। तो यहाँ पर सर्वर 1 लिंक, सर्वर 2 और सर्वर 3 यहां पे काम कर रहा है। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको 12th का देखना है तो इसमें क्लिक करेंगे नीचे वाले में, और 10वीं का देखना है तो फर्स्ट वाले में कोई भी आप क्लिक कर सकते हैं, तीनों में से किसी पे भी। तो चलिए, हम यहां पे क्लिक करेंगे। और यहां पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे एंटर योर रोल नंबर। तो यहां पे सबसे पहले यहां पे आपको अपना रोल नंबर डालना है। तो चलिए, मैं अपना रोल नंबर यहां पे डाल देता हूं। और जैसे अपना रोल नंबर डालेगा उसके बाद नीचे एक कैप्चा कोड है, ये कोड को आपको नीचे वाला जो बॉक्स है उसको इसको सेम टू सेम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आ जाएगा और यहाँ पे आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें।